और अब आपको खबर देंगे, मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट पेट्रोल ना देने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। शहरी इस अमल से किस कदर मुतमईन हैं और हुक्मरानों के इस इकदाम को कैसे देख रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुआ, बताइएगा इस इकदाम को शहरी किस निकाह से देख रहे हैं? दुआ से बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि आपको ये अहम खबर दे रहे हैं कि मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट पेट्रोल ना देने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है और शहरियों का इस पर रद्द अमल भी सामने आया है और आज यह करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। शहरी इस अमल को किस तरह देखते हैं, जानते हैं हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्जा से। दुआ, बताइएगा इस हवाले से शहरियों के क्या तासुरात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। अब पेट्रोल भी नहीं मिलेगा तो कई शहरियों का ये कहना है कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो चालान की फिक्र पड़ी हुई है, काफ़ी लोगों ने अभी हेलमेट भी नहीं खरीदा हुआ, फिर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, तो मजीद इन्हीं से बात कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा, ये करारदाद भेज दी गई है, बताएं अगर आपके पास हेलमेट नहीं होगा पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? ये बात गलत है कि अगर हेलमेट ना होगा पेट्रोल नहीं मिलेगा, हम इससे खिलाफ है। पहले भी हेलमेट 2000 का हो चुका है, हम स्टूडेंट बनने हैं, हमारे पास इतना पैसे नहीं होते, हम कहाँ से ले आए पैसे? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स काफ़ी मुखालफत कर रहे हैं इस बात की, क्योंकि उनका कहना है कि कभी इंसान एमरजेंसी में होता है और अगर हेलमेट नहीं है तो अब बाइक भी बंद हो जाएगी क्योंकि पेट्रोल नहीं मिलेगा। मजीद भी बात कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा, हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा? सॉरी, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा, ये इतनी जल्दी में है, अब इनके पास हेलमेट नहीं होगा तो इनको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, तो परेशानी की तो बात है। लोग काफ़ी इससे मुखालफत भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मजीद भी कोशिश कर लेते हैं लोगों से बात करने की। अच्छा बताइएगा, हेलमेट नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा? थोड़ा जल्दी में हूं। इतने गुस्से में है कि लोग बात करना भी पसंद नहीं कर रहे। एक तो हेलमेट महंगे हो चुके हैं उसके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, दूसरा अब पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो ये बात काफ़ी तश्वीशनाक है। अच्छा बताइएगा, हेलमेट के बगैर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा? नहीं, ये तो गलत बात है। अब जो गरीब बंदा है वो अभी हेलमेट, ये हेलमेट वालों ने तो अब लूट मार लगा दी है, जो 500 का हेलमेट है वो 2000 का कर दिया है। तो ये इमरान खान को चाहिए था कि चलो ठीक है, अगर ये करारदाद किया तो फिर हेलमेट भी सस्ते करें ना। अब ये जो हेलमेट वाले लूट रहे हैं, जो माफिया है, इनके साथ भी कोई मुकदमा या इस तरह का केस होना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि इसके खिलाफ वो बिल्कुल खड़े हुए हैं और अगर हेलमेट पहनना से मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। दुआ मिर्जा, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।